सो गाइस, तो आज हम लोग बताएंगे बजाज पल्सर RS 200 न्यू मॉडल 2024। तो आज हम लोग बताएंगे फाइनली बजाज पल्सर NS 400 3 मई 2024 के अंदर लॉन्च होने जा रहा है। तो फाइनली बजाज पल्सर RS 200 का न्यू जो अपडेटेड वर्जन है ना, ये भी लॉन्च होने जा रहा है बहुत जल्दी। तो कब तक लॉन्च करेगा वो भी हम लोग बताएंगे, और ये बाइक के अंदर क्या कुछ फीचर्स, प्राइस, माइलेज, टॉप स्पीड देख सकते हो, सारे कुछ कवर करेंगे ये वीडियो के अंदर। सो गाइस, अभी तक वीडियो के अंदर लाइक नहीं करो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल के अंदर नया हो तो ऑब्वियसली चैनल को भी सब्सक्राइब करो। सो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बताएंगे ये जो बाइक के अंदर अपडेट देख सकते हो सस्पेंशन के अंदर, यूडी सस्पेंशन मतलब अपसाइड डाउन सस्पेंशन आप देख सकते हो, और रियर पे नाइट्रिक मोनोशॉक देखने मिलेगा। मतलब बाइक का जो ओवरऑल लुकिंग है ना, बहुत ही बढ़िया लुकिंग के साथ देख सकते हो। नंबर टू यहाँ पे अपडेट देख सकते हो बाइक का टायर साइज के अंदर, सामने का टायर मतलब 100x80x17 देखने मिलेगा, और रियर टायर 140x70x17 देखने मिलेगा। मतलब बाइक का जो टायर साइज है ना, 10 सेक्शन का यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो अभी हम लोग बताएंगे और यहाँ पे गाइस क्या कुछ चेंजेस हो सकता है। सामने यहाँ पे डुअल एलईडी हेडलाइट प्रोजेक्टर लैंप देख सकते हो, साइड इंडिकेटर एलईडी देखने मिलेगा, और पीछे का टेल लाइट भी एलईडी। मतलब ओवरऑल जो बाइक का लुकिंग है ना, बहुत ही बढ़िया लुकिंग के साथ देख सकते हो। इंजन कैपेसिटी के अंदर चेंजेस को लेकर बताएंगे तो ज्यादा यहाँ पे चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ गाइस यहाँ पे चेंजेस हो सकता है स्लीपर क्लास एंड बहुत कुछ जगह पे चेंजेस, छोटा छोटा चेंजेस भी हो सकता है। मीटर कैपेसिटी को लेकर बताएंगे तो बजाज पल्सर N250 के अंदर जो मीटर देख सकते हो, सेम टू सेम RS 200 एंड NS 200 सेम टू सेम वही वाला मीटर भी देखने को मिलेगा। लुकिंग को लेकर बताएंगे तो न्यू यहाँ पे कलर, दो तीन कलर यहाँ पे एड हो रहा है, एंड ग्राफिक्स के अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस भी देख सकते हो। तो अभी हम लोग बताएंगे क्या 2024 BS7 बजाज पल्सर RS 200 के अंदर टॉप स्पीड कितना देख सकते हो। टॉप स्पीड को लेकर बताएंगे तो ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, टॉप स्पीड 140 गाइस यहाँ पे पकड़ सकते हो, और राइडर अच्छा होगा तो यहाँ पे 150 भी जा सकता है। और हैंडलिंग पोजीशन को लेकर बताएंगे तो पहले से बहुत ही ज्यादा डाउन कर दिया अभी बजाज ने। बजाज का जो टूरिंग बाइक है ना, ऑलरेडी डोमिनार 400, डोमिनार 250 ऑलरेडी कैसे भी अवेलेबल है। अगर आप लोगों को टूरिंग बाइक चाहिए तो वो बाइक के अंदर जा सकते हो, अगर आप लोगों को स्पोर्ट बाइक चाहिए तो RS एंड NS के अंदर जा सकते हो। बजाज पल्सर RS 200 कब तक लॉन्च करेगा BS7 न्यू 2024 मॉडल, और ये जो बाइक है ना बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रहा है इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर। तो पकड़ लो 2 से 3 महीने के अंदर लॉन्च करेगा। मतलब सबसे पहले लॉन्च करेगा NS 400, उसके बाद RS 400, उसके बाद NS 250, उसके बाद आएगा RS 200। तो RS 200 सबसे लेट अगर अपडेट आएगा तो RS 200 के अंदर भी आएगा, बट अपडेट कंपनी यहाँ पे करेगा, बट थोड़ा बहुत लेट करके करेगा। और आज का वीडियो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हुआ तो वीडियो के अंदर एक लाइक करो, चैनल के अंदर नया हो तो ऑब्वियसली चैनल को भी सब्सक्राइब करो। सो गाइस, चलिए आज का वीडियो इतना ही, एंड टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।